दोस्तों आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद मैं बड़ी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो छठ पूजा से रिलेटेड है क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। और छठ पूजा से पहले शहर और गांव में जो फ़र्क होता है मैं वो बता देता हूँ। गांव में ये होता है कि गांव में होते हैं तालाब, हमारे बिहार में तो वहाँ गाँव के ही लोग आते हैं सिर्फ, तो वो फिक्स होता है वहाँ पर। बट शहर में क्या होता है कि शहर में बहुत लोग होते हैं जो घाट बनाने के लिए 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जैसे भी होता अपना घाट छेकते हैं। आप मेरी वीडियो में देख ही रहे होंगे कि घाट छिका हुआ है, इधर तो नहीं बट इस साइड देखो कैमरामैन, इधर आओ, इधर दिखाओ, ये देखो कैसे लोग बाग इतने टाइम पहले ही घाट छेक के गए हुए हैं कि जिस दिन छठ पूजा हो क्या पता हम उस दिन घाट छेक ही ना पाए। बट मैं आपको अपना घाट भी दिखाता हूँ, आइए। ये सब देखो रस्सी से बांध दिया है कि कोई खोल के फेंके भी ना। आज सुबह ही आया था मैं घाट पे। और ये घाट है हमारा, देख लो दोस्तों ये घाट है। और यहाँ हमने रस्सी वस्सी बांध दी है, सारा अलग अलग करके करा है कि अगर हम इकट्ठे कर लें तो कोई भी ये कहेगा कि एक आदमी इतना बड़ा घाट क्यों छेक रहा है, तो ऐसी वाली बात है। तो हमने इसको डिवाइड करके हमने इस घाट को छेका। और ये वीडियो बनाने का पर्पस भी यही है कि जिस दिन हम आए छठ पूजा करने और कोई हमें आर्गुमेंट करता है तो हम उसे बता सकते हैं कि हम इतने दिन पहले ही हमने ये घाट छेका है। तो देखोगा दोस्तों जितना हमने घाट छेका है ना, उस दिन हम 5-6 लोग ही हैं बस, तो 5-6 लोग होंगे और उसके अलावा अदर पता नहीं कितने आ जाते हैं। और ऐसे पर्व पे तो हम किसी को मना भी नहीं कर सकते क्योंकि छठ पूजा है, आधे एक घंटे की बात होती है, तो सबका स्वागत है। बट पहले से ये करके चलना होता है। और दोस्तों सूरज की रोशनी और तालाब में ये चांदनी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं तो संडे आ ही जाता हूँ घूमने क्योंकि अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं, दिवाली भी आ रही है उसकी भी शुभकामनाएं। बाकी वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे ही आपके साथ बने रहेंगे। तो अभी के लिए वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। धन्यवाद।